क्लास सिक्स स्टूडेंट्स हियर इज आनंद मिश्रा वेलकम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज डिजिटल क्लासेस। आवर न्यू चैप्टर इज चेंजेस अराउंड यानी हमारे चारों ओर के परिवर्तन। ये हमारा चैप्टर छः है, पार्ट छः है, जिसका अर्थ है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। आप सभी ने इस चैप्टर का नाम देख लिया होगा, चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। इंट्रोडक्शन यानी हम के बारे में बात करें तो परिचय के बारे में यदि हम समझें कि इन एवरीडे लाइफ वी को थ्रो सो मैनी चेंजेस, यानी हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। थिंग्स अस कीप ऑन चेंजिंग ऑल द टाइम, बट डू यू थिंक इट हैपेंड कि हमारे चारों ओर की तरफ जो परिवर्तन होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है? देयर इज़ अ कॉज, इसका एक है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। इसका रीज़न है बिहाइंड एवरी चेंज इन द यूनिवर्स, यानी हमारे चारों ओर का जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो भी लगातार परिवर्तित रहता है। ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद जो मैं आपको समझाने वाला रहा हूँ वो भी मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम समझेंगे कि हमारे द कॉज बिहाइंड एवरी चेंज इन द यूनिवर्स, व्हाई डू चेंजेस अकर, यानी परिवर्तन क्यों होते हैं। डे एंड नाइट अकर, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार अपनी एक्सिस यानी अक्ष पर घूमती रहती है। चेंजेस अकर्स ड्यू टू हीट ऑफ सन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन, इट अंडरगोज मेनी चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइबर अंडरगोज मेनी चेंजेस। इसका यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, वो भी अलग अलग परिवर्तनों के दौरान हमें क्लॉथ में मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग जानते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, इसके कारण है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस के क्या रीज़न है, ये भी आपको समझना है। वाला है जर्मिनेशन ऑफ सीड टू फॉर्म अ प्लांट्स, दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना, आपने देखा होगा बीज सादा बन जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क दही का जमना, बर्निंग ऑफ कैंडल मौके जलना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का पकना, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, तो हमने बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास देखे हैं जिनमें से एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, बीज से आप प्लांट बन जाता है, जंग लग जाती है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दही जम जाता है दूध से, बर्निंग ऑफ लार्वा देखा होगा मोमबत्ती जल जाती है, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का पकना, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को ध्यान से देखना है, इज देयर आर चेंजेस इन शेप साइज कलर ऑफ द मटेरियल, क्या कभी शेप और साइज में भी चेंज हुआ है। इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। You must have observed when you burn a candle, shape and size changes and color of fruit also changes on ripening. अर्थ यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती जलने के बाद उसका शेप यानी और साइज दोनों क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और जैसा देखते हैं कि जो हमारे फल होते हैं वो स्टार्टिंग में हरे होते हैं लेकिन पकने के बाद वो अलग अलग कलर्स के हो जाते हैं। इस चेंज स्लो और फास्ट, क्या जो हमारे चेंजेस स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं। देर आर मेनी चेंजेस थिंग्स वी आर स्लो, सारे चेंजेस बहुत स्लो होते हैं। देखा होगा पेड़ कई सालों में बड़ा होता है, जर्मिनेशन सीड्स यानी बीजों का उगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहती है बहुत धीमे धीमे लगती है, स्लो चेंजेस वाइल बर्निंग ऑफ मैचस्टिक माचिस की तीली का जलना, ओवर अ फ्लेम एंड द बस्टिंग ऑफ पटाखों का जलना एक फास्ट प्रोसेस है यानी एक तेज प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है। तो एग्जांपल आप देखा होगा पिक्चर में, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बर्निंग ऑफ अ मैच एक फास्ट चेंज है यानी एक तीव्र परिवर्तन है, और रस्टिंग एक स्लो चेंज है यानी लोहे में जंग लगना एक स्लो परिवर्तन है। कैन द ऑफ चेंजेस बी ब्रॉट अबाउट, फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स ऑन हीटेड एंड द वाटर फ्रीजेस वैन कूल्ड, आपने देखा जब हम बर्फ़ को गर्म कर देते हैं तो पिघल जाती है, और जब हम
पानी को जमा देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो कहते जम जाता है यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन से दैट मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल बिकॉज द ऑपोजिट साइड इज ऑलरेडी। हम ये समझेंगे कि जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो एक रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल का मतलब हम बताएंगे आपको, जो दोनों तरफ से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी आप देखा होगा कि आइस पानी में बदल जाती है, पानी जो होता है वो बर्फ़ में यानी आइस में भी बदल जाती है, इसलिए एक ऐसा रिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है ना, ओके। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो में कमेंट जरूर करें, मुझसे प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।